मंडला जिले के महाराजपुर में मानव तस्करी को लेकर 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के चंगुल से बरामद हुई मंडला की युवती। मंडला जिले के महाराजपुर में पुलिस ने मानव तस्करी से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने दबिश देकर छतरपुर से एक युवती को बरामद किया है। बताया गया कि छतरपुर निवासी राकेश चौबे के द्वारा मंडला जिले की एक युवती को 65,000 में खरीदा गया था। इस संबंध में युवती के परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी, जिसे लेकर की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कॉल डिटेल के आधार पर छतरपुर में छापामार कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद किया। साथ ही युवती को धोखे में रखकर खरीद फरोख्त करने वालों को भी धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हमें करीब करीब 5 आरोपी मिले जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी और हैं जिनको हम गिरफ्तार करेंगे। इसके अतिरिक्त इन लोग जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनका जाल आसपास बदमी के आसपास कई गांव में है और 2-3 और मामले भी हमारे संज्ञान में आए हैं जिनका हम खुलासा करने में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हमारी कड़ियां जो हैं 1-2 दिन में और क्लियर होंगी, जिससे हम और लड़कियों को बरामद करने में सफल होंगे। छतरपुर के बमनिहार गांव में दिल दहलाने वाली घटना। झोपड़ी में आग लगने से एक बच्ची की मौत, एक की हालत गंभीर। छतरपुर के गुलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बमनिहार में एक झोपड़ी में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में सो रहे 2 मासूम बच्चों में से एक की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि झोपड़ी खेत में बनी हुई थी, जिसमें बच्चों की मां मासूमों को छोड़कर खेत में रखवाली करने गई थी। इसी दौरान अचानक यह हादसा हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे, देखा तो एक घास फूस की झोपड़ी बनी थी, तो उसमें बच्चियां अंदर लेटी हुई थी। उन्होंने आग जलाई और उन्हीं के हाथ से आग लग गई है। उसमें दोनों बच्चे जल गई है। एक बच्ची छतरपुर रिफर हो गई है, जिसका इलाज चल रहा है, और एक बच्ची स्पॉट पर खत्म हो चुकी है। बेहद गरीब परिवार से थे। क्या है? ये बच्चियाँ, इनका जो इसकी माँ है उसका नाम चंपा है, वो ईशानगर थाने के अंतर्गत बंधा सलैया गांव की रहने वाली है। यहाँ उसका मायका है जो अपने भाइयों के साथ यहाँ पर रह रही है। देवास में बरसों से पड़ी गाड़ियों की नीलामी को लेकर तैयारियां शुरू। लंबे समय से नीलामी नहीं होने से कबाड़ हो चुकी है गाड़ियां। जिले के सिविल थाना क्षेत्र में विभिन्न प्रकरणों के तहत जमा 2-व्हीलर गाड़ियों की नीलामी जल्द ही की जाएगी। इसे लेकर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्यवाही के बाद नीलामी का आदेश निकाला जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग शर्मा ने बताया कि थाने में लंबे समय से चोरी और दुर्घटना से जुड़े मामलों में जब्त की गई गाड़ियां पड़ी है, जिनकी नीलामी उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार की जाएगी। साथ ही गाड़ी मालिकों की शिकायत के आधार पर चोरी की गाड़ियों को वैधानिक कार्यवाही के बाद सौंपा जाएगा। आने के उपरांत ये निर्देश दिए गए कि थानों पर जो गाड़ियां वाहन खड़े हुए हैं, इनकी सभी की लिस्टिंग की जाए और इनमें जिन व्यक्तियों की गाड़ियां हैं। कई बार थानों में क्या होता है कि पुलिस कर्मचारी कोई छोड़ के भाग गए या कहीं रास्ते में मिली गाड़ी को लाकर खड़ी करते हैं और विधिवत पूरी कार्रवाई संपन्न नहीं हो पाती है, तो ऐसी गाड़ियां कई थानों पर बिना लिखा पढ़ी के भी खड़ी रहती हैं। तो ऐसी गाड़ियों के संबंध में कौन सी लिखा पढ़ी में है, कौन सी बिना लिखा पढ़ी में है, तो उनकी सूची तैयार करके उनके मालिकों से जानकारी प्राप्त करके यदि किसी थाने में चोरी की है तो उनको सूचित करके इनकी कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। सिलन थाने में हो रहा सर कि देवास पूरे थानों में? अन्य थानों को निर्देश है, ये कार्रवाई मेरे द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। और कभी यहाँ छोटा थाना है, कभी कम गाड़ियां हैं नए थानों से होने से, तो ये मेरे स्तर पर शुरू कर दी गई है। रायसेन में किसानों ने किया प्रदर्शन। 5 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालकर 13 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने सौंपा ज्ञापन। ग्राम उदय से भारत उदय समिति के तत्वाधान में आज हजारों किसानों ने पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में महिला पुरुषों के साथ ही किसानों के बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होना चाहिए, साथ ही गायों के लिए गौशाला निर्माण की राशि भी तत्काल जारी होनी चाहिए, अन्यथा किसानों के द्वारा 9 जनवरी से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। और पूर्व में भी किसान, मजदूर, गौ सेवक एवं ग्रामीण भारतवासियों के लिए हम लोग संघर्षरत रहे हैं। पूर्व सरकारें भी
हमारा सामना कर चुकी हैं। वर्तमान सरकार ने चूंकि 10 दिन के समय दिया था कर्ज माफी का, और आज 10 दिन 27 तारीख को इनका पूरा हो चुका है। कर्ज माफी में पात्रता अपात्रता आदि चीज़ें इन्होंने उल्लिखित कर दी, जिससे हम लोग दुखी हैं। हम चाहते हैं कि सीधा 2 लाख रुपए का कर्ज हम लोगों का बैंक खातों में दिया जाए, और हम लोगों से किसी प्रकार के शासन या प्रशासन दस्तावेज ना मांगे, क्योंकि किसानों को बेवजह उलझाने सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेले हम लोगों के साथ। दूसरा, गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों में हम चाहते हैं कि शीघ्र फंड डाला जाए, ताकि गौशाला का निर्माण हो और गौओं की जो दुर्दशा है ये दुर्दशा को रोका जा सके। ऐसा हम लोगों का 13 सूत्री मांग हम लोगों ने दी है, और इनका शासन से हमारी मांग है कि दिनांक 8/1/2019 तक इनका निराकरण करे या लिखित पत्राचार के माध्यम से आश्वस्त करे, और यदि हम लोग संतुष्ट रहते हैं उनके आश्वासन से, लिखित आदेश, आश्वासन नहीं रहेगा, लिखित आदेश से वो हम लोगों को अवगत करावे, और नहीं है तो हम लोग 9/1/2019 को इसी तहसील प्रांगण में आमरण अनशन करेंगे। शीतलहर की चपेट में मंदसौर जिला, खेतों में जमने लगी है बर्फ, फसलों को होने लगा नुकसान। प्रदेश भर में जारी कड़ाके की ठंड के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिन भर चलने वाली शीतल हवाओं से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, वही खेतों में बर्फ की चादर बिछने लगी है। मंदसौर में बर्फ जमने से कई किसानों को फसलों में नुकसान उठाना पड़ रहा है। धनिया, चना सहित अन्य फसलें भी बर्फ जमने से प्रभावित होने लगी है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह का हुआ महोत्सव, जमकर झूमे श्रद्धालु भक्त। देवास के मोती बंगला स्थित श्री गुरु टेकचंद धर्मशाल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन शुक्रवार को श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के दौरान दोनों को ढोल धमाकों के साथ पूजा पंडाल ले जाया गया, जहाँ पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। कर्ज माफी बनी दूर की कौड़ी, धान की कीमत पाने भटक रहे हैं अन्नदाता। सतना में किसानों को अभी तक धान की कीमत नहीं मिली है, जिसे लेकर रोजाना किसान मंडियों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों के कर्ज माफी का क्या हाल होगा। नान के MD सुफिया वली ने बताया कि सतना के अधिकारियों की लापरवाही के कारण धान का भुगतान नहीं हो पाया है। इस संबंध में 10 नवम्बर को ही निर्देश जारी किए गए थे। यदि ऐसा ही हाल रहा तो जल्द ही अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। मंत्री हर्ष यादव को सिक्कों से तौलकर समर्थकों ने मनाई खुशियां। जमा सिक्कों से गौशाला का होगा निर्माण। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार केसली पहुंचे हर्ष यादव का उनके समर्थकों ने सिक्कों से तौलकर अभिनंदन किया, साथ ही जमा सिक्कों से गौशाला बनाने का निर्णय लिया है। बताया गया कि मंत्री के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं ने करीब 1.25 लाख रुपए के सिक्के जमा किए थे। इन्हीं सिक्कों से मंत्री हर्ष यादव का तुलादान कराया गया, साथ ही इन सिक्कों से गाँव में एक बड़ी गौशाला बनाने का निर्णय लिया। मंत्री ने इस मौके पर कहा कि भाजपा ने सिर्फ गांव और गाय पर राजनीति की है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जमा सिक्कों से एक बड़ी गौशाला का निर्माण कराएंगे। गांव और गाय पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में गांव के बारे में कभी नहीं सोचा गया। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र के माध्यम से हर विधानसभा, हर पंचायत में एक गौशाला बनाने का संकल्प लिया है। आज ये राशि जो आई है, तलादान के रूप में जो राशि प्राप्त हुई है, ये जनता की राशि, जनता के लिए खेवरिया जी परिवार के द्वारा दी गई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक बहुत विशाल गौशाला का निर्माण की ऐसी जैसे नगर पंचायत में होगी। आप सब साक्षी बनेंगे और आप सब आमंत्रित होंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के इलाके में नहीं मिल रहा रोजगार, मजदूरी के लिए बच्चों का हो रहा है बेजा उपयोग।
छिंदवाड़ा मॉडल बताकर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का चुनाव तो जीत लिया है और सत्ता में काबिज भी हो गए, लेकिन छिंदवाड़ा के लोगों को मजदूरी तक नहीं मिल रही है। लिहाजा बाहर से आने वाले ठेकेदार यहां के बच्चों को आर्थिक लाभ देकर बाल मजदूरी कराने बाहर गांव ले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बच्चों ने अपनी मजबूरी बताते हुए कार्य करने की बात कही है। एक बच्ची ने यह भी बताया कि छिंदवाड़ा में मजदूरों को भी ठीक से काम नहीं मिलता है, इसके लिए वे बाहर गांव आकर मजदूरी करने मजबूर है। काम नहीं मिलता है? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं। उम्र कितनी है तुम्हारी? 15। यहाँ बाल मजदूरी कर रहे हो आप? जी। कितने भाई बहन हैं? 5 बहन हैं। 5 बहन। वहाँ पे आपको काम नहीं मिलता? नहीं। जगदीश चंद्र जटिया ने मंडला जिले का संभाला पदभार। इसके पहले भी मंडला जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में दे चुके हैं सेवाएं। मंडला जिले के नवागत कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया ने मंडला जिले के कलेक्टर के रूप में शुक्रवार को पदभार संभाला। वे इससे पहले साल 2007 से 2010 तक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रह चुके हैं। कलेक्टर ने पदभार संभालते ही कहा कि मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मुझे कलेक्टर के तौर पर फिर से मंडला जिले में सेवाएं करने का मौका मिला है। यहां की भौगोलिक स्थिति को जानने के कारण मुझे कार्य करने में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मंडला जिले में दोबारा आया हूं और मंडला जिले के लिए जितना मैं काम कर सकता हूं करूंगा। जन सामान्य से, जो नागरिकों से, गणमान्य नागरिकों से सबसे सुझाव लूंगा और उनके अनुसार करूंगा।